Welcome learners to literature lessons. आज मैं डिस्कस करूंगी नॉवल लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज रिटन बाय विलियम गोल्डन. हम इस नॉवल का इंट्रोडक्शन और इसके कैरेक्टर्स के बारे में आज देखेंगे. तो पहले हम इस पूरे नॉवल के बैकग्राउंड को एनालाइज करेंगे. कोई भी वर्क होता है उसमें हम ये देखते हैं कि ऑथर की जो पर्सनल लाइफ और पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं वो उस वर्क को शेप आउट करते हैं. विलियम गोल्डन के केस में भी ऐसी ही चीज़ हमें देखने को मिलेगी. विलियम गोल्डन ने ये जो नॉवल लिखी है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, इसमें इनकी जो पर्सनल लाइफ थी उसमें इन्होंने जो सोशली कल्चरली रिलीजियसली या एज इन द सेंस कि इनका मिलिट्री बैकग्राउंड था, उस सेंस में इन्होंने जो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं वो एक साथ इन्होंने इस नॉवल में प्रेजेंट करने की कोशिश की है. हम ये देखते हैं कि इस नॉवल के थ्रू विलियम गोल्डन ने ह्यूमन माइंड को और उस समय का जो वर्ल्ड है और जो एक वैल्यूज होती हैं, स्पेसिफिकली जो ब्रिटिश कल्चर की वैल्यूज होती हैं, उन सारी चीजों को एनालाइज किया है थ्रू अ ग्रुप ऑफ बॉयज हु आर लेफ्ट ऑन एन आइलैंड. तो इस तरीके की चीजें इन्होंने इस नॉवल में दिखाई हैं. हम ये देखते हैं कि जो गोल्डन की लाइफ पाथ है वो बहुत ही डाइवर्स रही. पहले तो इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में 2 साल एज अ साइंस स्टूडेंट पढ़ाई की, जैसे कि इनका इनके पिताजी चाहते थे, बट ये ऐसा नहीं चाहते थे. तो इन्होंने 2 साल बाद वो डिग्री छोड़ दी और इंग्लिश लिटरेचर की पढ़ाई करने लगे. उसके बाद इन्होंने वर्ल्ड वॉर टू के समय ब्रिटिश रॉयल नेवी भी ज्वाइन की और बहुत अच्छे अच्छे और मेजर एक्सपीडिशंस में पार्ट लिया. अपने मिलिट्री एक्सपीरियंस के बाद गोल्डन एक स्कूल टीचर के तौर पर पढ़ाने लगे और 15 साल जो है उन्होंने बहुत अच्छे से ग्रीक क्लासिक्स की पढ़ाई की, क्योंकि उनको लगता था कि ग्रीक क्लासिक्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं किसी भी राइटर किसी भी नॉवलिस्ट के लिए. और वो ऐसा खुद मानते हैं कि उनका जो वर्क है वो ग्रीक ड्रामा से बहुत इंस्पायर्ड है. और ऐसा सिर्फ वो ही नहीं, बहुत सारे स्कॉलर्स भी मानते हैं. तो हम ये देखते हैं कि इस नॉवल में विलियम गोल्डन ने मेनली 3 पॉइंट्स को स्टडी किया है. 3 पॉइंट्स पे हमारा ध्यान ड्रॉ करने की कोशिश की है. पहला ये है कि ह्यूमन बीइंग जो होता है उसकी इनहेरेंटली ये डिज़ायर होती है कि कोई सोशल या पॉलिटिकल ऑर्डर या ग्रुप हो जो उसे कंट्रोल करे, जो उसे ऑर्डर में रखे. इसीलिए हम देखते हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर आर पार्लियामेंट्स, देयर आर गवर्नमेंट्स एंड लेजिस्लेचर्स, जो कि हम इस नॉवल में भी देखते हैं, विच इज रिप्रेजेंटेड थ्रू अ प्लेटफॉर्म एंड अ कॉन्च. हम आगे देखेंगे इस बारे में. सेकेंड चीज़ जो उन्होंने एक्सप्लोर करने की कोशिश की है वो ये है कि ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं वो नेचुरली इंक्लाइंड होते हैं या झुके होते हैं टुवर्ड्स वायलेंस, टुवर्ड्स ईविल. और ये चीज़ हमें दिखाई पड़ती है इस फॉर्म में कि हर एक कंट्री जो है इट नीड्स अ मिलिट्री, इट नीड्स सम फॉर्म ऑफ पावर विथ अ फोर्स ऑफ वायलेंस टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ. इस नॉवल में हम देखते हैं कि एक ग्रुप ऑफ बॉयज हैं जो हंटर बनते हैं, फिर हंटर से वो मर्डरर्स बन जाते हैं और ऑन द आइलैंड एक विद इन द आइलैंड एक वॉर होने लगता है एज वेल एज बियॉन्ड द आइलैंड. उस समय एक वॉर चलता रहता है बिकॉज दिस नॉवल हैज बीन रिटन इन द बैकग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर्स. एक नेक्स्ट चीज़ हम ये जो देखते हैं जो गोल्डन ने एक्सप्लोर करने की कोशिश की है वो ये है कि ह्यूमन बीइंग जो है वो हमेशा एक भगवान पे, ईश्वर पे या आउटसाइड सुपरनैचुरल पावर पे बिलीव करते हैं कि वो पावर जो होती है वो ह्यूमन डेस्टिनी को इन्फ्लुएंस करती है. ह्यूमन इंसान की जो किस्मत होती है वो उसके खुद के हाथ में पूरी तरीके से नहीं होती, किसी आउटसाइड पावर के भी हाथ में होती है. ऐसा उन्होंने रिप्रेजेंट किया है इस नॉवल में थ्रू सेरेमोनियल डांस और सेक्रीफाइस. जो बलि दिया गया है इस नॉवल में वो सारी चीज़ें हम देखेंगे. इन पॉइंट्स को उन्होंने एक्सप्लोर करने की कोशिश की है. एक तरीके का हम देखते हैं कॉन्ट्रास्ट
ये लेकर के आए हैं गोल्डन इस नॉवल में, एक तरफ वो बॉयज जो हैं, ग्रुप ऑफ बॉयज जो आइलैंड पे छोड़ दिए जाते हैं, वो ब्रिटिश कल्चर के हैं। नाउ ब्रिटिश पीपल दे आर वेरी सिविल, वो बहुत क्लासी होते हैं, बहुत प्रॉपर होते हैं, अच्छे से बात करना, अच्छे से रहना, वायलेंस वगैरह इज नॉट देयर ट्रेडमार्क। और उनके उनके नेचर के ऑपोजिट, क्योंकि ये बॉयज ब्रिटिश हैं, वो ब्रिटिश कल्चर में पले बड़े हैं, बट अपने नेचर के ऑपोजिट काम वो करने लगते हैं जब वो इस आइलैंड पे आते हैं। तो ये चीज को एक्सप्लोर किया है विलियम गोल्डन ने। साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि कुछ ऐसे पर्टिकुलर कैरेक्टर्स हैं जिनकी यू नो माइंड को उन्होंने एनालाइज करने की कोशिश की है। जैसे जैक है, उसके जो लाइफ के एक्सपीरियंस है उसकी वजह से उसका जो दिमाग है वो एकदम यू नो थोड़ा सा प्रॉपर प्लेस पे नहीं, आप कह सकते हैं ही डजंट थिंक लाइक अदर पीपल, नॉर्मल पीपल डू। इसी तरीके से हम रैल्फ के माइंड को भी देखते हैं जो कि नेचुरली बुरी चीजों की तरफ, वायलेंस की तरफ झुका हुआ है। और हम ये देखते हैं कि ये लोग अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो जब करते हैं, जैसा इनका माइंड इनका हार्ट इन्हें बोलता है वो वैसा ही एक्ट करते हैं, तो दे मूव टुवर्ड्स सेल्फ डिस्कवरी, दे एक्चुअली डिस्कवर देमसेल्व्स व्हाइल डूइंग दीज थिंग्स। और ऐसा विलियम गोल्डन मानते थे कि ऐसा करते हुए जब हम किसी चीज की तरफ इंक्लाइंड हैं और उसे हम एक्सप्लोर करते हैं तो ही हम खुद को डिस्कवर कर सकते हैं, और वो ही इस होपलेस ह्यूमन लाइफ से एस्केप का एक यू नो वे है। अदरवाइज वी आर जस्ट होपलेसली लेफ्ट हियर ऑन दिस अर्थ विथ नो रूट फॉर एस्केप। तो चलिए हम इस नॉवल की हिस्ट्री को थोड़ा सा देखते हैं। नाउ गोल्डन ने लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज 1954 में लिखी थी, जब वर्ल्ड वॉर को खत्म हुए प्रॉपरली 10 साल भी नहीं हुए थे। उस समय कोल्ड वॉर चल रहा था और जो भी हॉलोकॉस्ट हुआ था, इतने सारे जो ज्यूज को मारा गया था, एटॉमिक बॉम्ब जो गिरा था हिरोशिमा नागासाकी में, जो कम्युनिस्ट एक डर फैला रहे थे अपने प्रेजेंस का लोगों के बीच में, वो सारी चीजें अभी भी लोगों के माइंड में एकदम फ्रेश थी। एक फियर का एनवायरनमेंट पैदा हो गया था बिकॉज ऑफ द वॉर मिक्स्ड विद द टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, जिसका हम एक झलक नॉवल में भी देखते हैं। जैसे कि एक शॉट डाउन प्लेन देखते हैं हम, और जो ग्रुप ऑफ बॉयज हैं वो इस बात से कंसर्न्ड हैं कि देर इज अ पार्टी कॉल्ड रेड्स या अ ग्रुप कॉल्ड रेड्स, एंड दे आर कंसर्न कि द रेड्स माइट फाइंड देम बिफोर देयर ओन पीपल और द ब्रिटिश यू नो डू। सो हम ये देख रहे हैं एक डर का माहौल बना हुआ था उस समय लोगों के माइंड में, और उस डर को लेकर के, उस बैकग्राउंड को, वर्ल्ड वॉर के टाइम के बैकग्राउंड को लेकर के इन्होंने ये नॉवल लिखी है। और अगर हम हिस्ट्री के हिसाब से बात करें तो जो कल्चरली सोशली इकोनॉमिकली जो लोग थे उनकी हालत उस समय बहुत खराब थी। जब भी वॉर होता है तो लोगों के पास यू नो चीजों की, सामान की सप्लाईज कम हो जाती है, उनकी लाइफ बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। ऐसे में वो उसी तरफ जाते हैं, उस इंसान या लीडर की तरफ जाते हैं जो उन्हें स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन, खाना पीना और सारी सुविधाएं प्रोवाइड करें। ये चीज हम देखते हैं नॉवल में भी होती है। जैक द हंटर जो है वो लड़कों को लग्जरी और मीट सब कुछ प्रोवाइड करता है, बदले में वो उनका डिक्टेटर बन जाता है और उनसे हर एक काम करवाता है जो वो करवाना चाहता है। जो बॉयज हैं वो भी अपने मॉरल वैल्यूज को छोड़ देते हैं टू गेट द गेन्स फ्रॉम जैक, उससे खाना और आराम पाने के लिए वो अपनी मॉरल वैल्यूज को छोड़ देते हैं और वो जो कहता है उसे फॉलो करने लगते हैं, उन लड़कों को जान से मारने लगते हैं जो उस ट्राइब को ज्वाइन नहीं करना चाहते थे इस नॉवल में। ऐसा ही कुछ हम देख रहे हैं कि जर्मनी में भी हो रहा था, जब एक ग्रुप था जो एडोल्फ हिटलर को ज्वाइन नहीं करना चाह रहा था और एक ग्रुप था जो उसके फॉलोअर्स थे जो उन सारे लोगों को खत्म कर रहे थे जो उसे ज्वाइन नहीं करना चाहते थे। जो नाजिज्म था, जिस तरीके से एडोल्फ हिटलर वहां का डिक्टेटर बन गया था लोगों के फियर का फायदा उठा करके वर्ल्ड वॉर वन के समय, ये सारी थीम्स जो हैं एक तरीके से यूज की हैं
थ्रू हिज कैरेक्टर्स विलियम गोल्डन ने इस नॉवल में, इन द नॉवल लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। सो हम इस नॉवल में ये देखते हैं कि विलियम गोल्डन ने ये दिखाया है जो एक ब्रूटैलिटी नाजीज ने की थी वो कोई भी कंट्री करने के लिए केपेबल हो सकती है, प्रोवाइडेड द फियर हो उनके माइंड में, साइकोलॉजी ऑफ फियर। जब इंसान डर जाता है तो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए वो तरह तरह की चीज़ें करता है, जहाँ पे उसको यू नो प्रोटेक्शन मिलेगा, जहाँ पे उसको कंफर्ट्स मिलेंगे वो वहीं जाएगा, और अगर उस चीज़ को बचाने के लिए, उन कंफर्ट्स को बचाने के लिए उसको गलत चीज़ें भी करनी होंगी, सो द पर्सन विल डू इट। ये जो साइकोलॉजी ऑफ फियर है ये इंसान को मोटिवेट करता है उसके एक्शंस के लिए, और यही चीज़ गोल्डन ने इस नॉवल में एक्सप्लोर की है। गोल्डन ये मैसेज एक तरीके से देना चाह रहे हैं कि जो ब्रूटैलिटी जर्मन्स ने की है वो ब्रूटैलिटी कोई भी कंट्री कर सकती है, प्रोवाइडेड इट हैज़ दिस साइकोलॉजी ऑफ फियर इनसाइड इट। हम ये देखते हैं कि किस तरीके से वर्ल्ड वॉर के टाइम यूनाइटेड स्टेट्स ने विद इन द टाइम स्पैन ऑफ 3 डेज ड्रॉप्ड 2 consecutive बॉम्ब्स ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी, जिसकी वजह से मोर देन 1 lakh पीपल डाइड। और हम ये भी देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अ टोटल ऑफ 55 million पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स। सो दिस कांट बी द डूइंग ऑफ वन नेशन इटसेल्फ ऑब्वियसली। और ये चीज इन्होंने इस बैकड्रॉप में इन्वेस्टिगेट या एक्सप्लोर करने की कोशिश की है, यू नो ऑन द बैकड्रॉप ऑफ अ ग्रुप ऑफ ब्रिटिश बॉयज हु आर ऑल्सो ऑन देयर ओन लेवल capable of such violence as we will see in the novel. हम ये देखते हैं कि जो एक वॉर है उसकी वजह से जो तकलीफें होती हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो एक लॉस ऑफ होप होता है टू हैव अ गुड लाइफ, दैट यू नो थिंग इज नॉट लॉस्ट ऑन विलियम गोल्डन। ये चीज उनके दिमाग में थी और ये चीज उन्होंने दिखाई भी है इस नॉवल में, जब वॉर की वजह से एक ग्रुप ऑफ बॉयज जो हैं एटॉमिक वॉर की वजह से उनको एक आइलैंड पे छोड़ दिया जाता है, और जब उन्हें ऐसा लगता भी है कि शायद उन्हें बाहर से कोई बचाने आया है तो एक्चुअली में बस वो एक पैराशूट होता है, मिलिट्री पैराशूट, जिसमें कि एक डेड आदमी लैंड करता है, जिसमें से कि यू नो इट मस्ट हैव बीन अ बैटल पैराशूट, और जो कि गलती से उड़कर उनके साइड में आ गया होगा। सो वॉर लीड्स टू नथिंग बट होपलेसनेस एंड वायलेंस। ये चीज भी विलियम गोल्डन ने इस नॉवल में दिखाई है। सो हम ये देखते हैं कि विलियम गोल्डन जो हैं वो जिस तरीके के माहौल में पले बड़े थे, उनके फादर की जो सोच थी वो उनसे बहुत ही अलग थी। विलियम गोल्डन ये बिलीव करते थे कि ह्यूमन बीइंग जो है उसके अंदर अच्छाई और बुराई दोनों मिक्स है, और अगर हमें वाकई में ह्यूमन बीइंग को क्योर करना है या सुधारना है ह्यूमैनिटी को, तो हमें जो एक ग्रुप होता है, सोशल ऑर्डर होता है, जिसके हाथ में पावर होती है, उसको तोड़ना होगा। वो जब टूटेगा तभी इंसान की कंडीशन में कुछ इम्प्रूवमेंट आ सकता है। ये जो व्यू था ये बहुत ही ऑपोजिट था विलियम गोल्डन के फादर के व्यूज से, जो ऐसा मानते थे कि ह्यूमन बीइंग इनहेरेंटली दे आर ऑल गुड, और जो थोड़ी बहुत बुराई है वो एक एक ऑर्डर से, एक वायलेंस से, एक ग्रुप ऑफ पीपल से और उनके कंट्रोल से उसे सुधारा जा सकता है। यहाँ हम देखते हैं कि कैसे उनके फादर के व्यूज से उनके व्यूज बहुत ही अलग थे। विलियम गोल्डन ये मानते थे कि ईविल होना या वायलेंट होना ये तो ह्यूमन नेचर में इनहेरेंट है, ये हमेशा था, है और रहेगा। जो एक कॉन्सेप्ट होता है जूडियो क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट ऑफ ओरिजिनल सिन, कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर ये सारी चीज़ें इनहेरेंटली होती हैं, वायलेंट करने की कैपेबिलिटी, ग्रीड की कैपेबिलिटी, लस्ट की कैपेबिलिटी, ईविल की कैपेबिलिटी, उस चीज़ में गोल्डन बिलीव करते थे। जब ये नॉवल पब्लिश हुई थी तो बहुत सारे क्रिटिक्स बिल्कुल भी खुश नहीं थे गोल्डन के वर्क से। जब लोग सोशियोलॉजिकल और एग्जिस्टेंशियल थीम्स को एक्सप्लोर कर रहे थे वॉर के जस्ट बाद, उसी समय गोल्डन
इस तरीके की थीम्स को, थियोलॉजिक और मिस्टिसिज्म की थीम्स को एक्सप्लोर कर रहे थे, वो गुड और ईविल को एड्रेस कर रहे थे, उसके बारे में बात करना चाहते थे। इस चीज से उस समय के क्रिटिक्स बहुत खुश नहीं हुए क्योंकि वो ट्रेंड के हिसाब से नहीं चल रहे थे। ही वॉज राइटिंग वॉट ही थॉट वॉज इम्पोर्टेंट। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है इस नॉवल के बारे में, एक ब्रिटिश विक्टोरियन कहानी है कोरल आइलैंड नाम की, इसे RM वैलेंटाइन ने लिखा है। और इसमें एक ग्रुप ऑफ बॉयज हैं जो कि एक आइलैंड पे छूट जाते हैं, वो भी ब्रिटिश हैं, और ऐसा दिखाया गया कि वो बड़े ही अच्छे, बहुत वर्चुअस, बहुत इनोसेंट और वेल बिहेव्ड हैं। गोल्डन एक स्कूल टीचर थे और वो जानते थे कि सच्चाई इससे कोसों दूर है। एक जो आइडियलिज्म दिखाया गया है इस कोरल आइलैंड नाम की बुक में, वो सच नहीं है। ब्रिटिश बॉयज इनफैक्ट आर लाइक एनी अदर बॉयज, आर लाइक इनफैक्ट एनी अदर ह्यूमन बींग्स आउट देयर। दे हैव द कैपेसिटी ऑफ बींग गुड एंड बैड एज एंड वेन द टाइम डिमांड्स। तो इसमें उन्होंने जो ग्रुप ऑफ बॉयज दिखाए हैं जो कि पावर मिलते ही एक दूसरे को मारने लगते हैं और पॉलिटिक्स करने लगते हैं, विच इज वेरी क्लोज टू रियलिटी, और ऐसा दिखा करके इन्होंने अपनी नॉवल में एक तरीके से कोरल आइलैंड की जो बुक है उसकी पैरडी की है विलियम गोल्डिंग ने, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। विलियम गोल्डिंग जो है, जो वर्ल्ड वॉर के बाद एक टेक्नोलॉजी पे ह्यूमन बीइंग्स का इतना विश्वास बढ़ गया था और उसे टेक्नोलॉजी और लॉजिक और रैशनलिज्म को जो इंसान इतना वर्शिप करने लगा था, उसके बहुत फेवर में वो नहीं थे। एक फील्ड आया था साइंस का जिसका नाम था साइकेट्री, जो कि जो माइंड के इमोशनल डिस्टरबेंस है उसको एक लॉजिकल वे में समझाता था। उसे कहा जाता था अ टेक्नोलॉजी ऑफ माइंड। सो गोल्डन ने इसका भी रेफरेंस अपने नॉवल में लिया है। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज में पिगी जो है वो भी यही बात कहता है कि साइकेट्री हमारे सारे डरों को एक्सप्लेन कर सकता है और घोस्ट एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि अगर वो करते तो टेलीविजन और स्ट्रीट लाइट वर्क नहीं करती। हम ये देखते हैं कि गोल्डन ने अपनी नॉवल में घोस्ट का एग्जिस्टेंस तो प्रूव करने की कोशिश नहीं की है, लेकिन एक कॉमेंट्री की है इंसान के बिहेवियर पे जो कि बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी को वर्शिप करने लगा है और रैशनल चीजों पे बिलीव करने लगा है, यू नो सो मच सो दैट इट हैज लॉस्ट द टच विथ व्हाट इज बियॉन्ड, यू नो सो मच सो दैट इट हैज कॉन्स्ट्रिक्टेड इटसेल्फ, और ओपन माइंडेडनेस जो होती है, रेडीनेस टू बिलीव इन थिंग्स फार एंड बियॉन्ड, वो इंसान में खत्म हो गई है। और ये चीज गोल्डन ने दिखाई है अपनी नॉवल में। तो अब हम कैरेक्टर्स को देख लेते हैं इस नॉवल में। एक कैरेक्टर है जिसका नाम रैल्फ है, यही जो मेन प्रोटैगनिस्ट है या हीरो है नॉवल का वो है। इसे सारे लड़के मिलकर के अपना लीडर सेलेक्ट करते हैं। ये बहुत ज्यादा स्मार्ट भी नहीं है और सबसे ज्यादा स्ट्रांग भी नहीं है, लेकिन ये बहुत ही करिश्मेटिक है और इसके बहुत अच्छे गुड लुक्स हैं इसके पास। और ये लड़कों को एक ऑर्डरली, यू नो सिविलाइजेशन और उसके रूल रेगुलेशन पे फोकस करवाना चाहता है। यू नो ये चाहता है कि इसका जो रूल है वो एक ऑर्डर से चले, और ये अपनी अथॉरिटी खो देता है और अब ऑलमोस्ट अपनी लाइफ भी खो देता है जब जैक जो है वो पावर गेन करता है तब। नेक्स्ट कैरेक्टर है वो है पिगी, और पिगी जो है थोड़ा सा हैवी वेट है, उसे एस्थमा की प्रॉब्लम है, उसके पास उतना ज्यादा फिजिकल स्टैमिना नहीं है, इसकी वजह से बहुत सारे लड़के हैं उसे बुली करते हैं। लेकिन पिगी काफी शार्प माइंडेड है, उसके पास दिमाग जो है वो बहुत अच्छा है, और उसके जो स्पेक्टिकल्स हैं जो वो पहना करता है उसी की मदद से लड़के आग जलाते हैं जब भी उन्हें जरूरत होती है तो। और पिगी जो है वो रैल्फ का वफादार है, और जो है वो उसका हमेशा साथ देता है। पिगी की जब डेथ हो जाती है तो रैल्फ अकेला पड़ जाता है,
अकेला अगेंस्ट जैक एंड हिज होल ट्राइब. नेक्स्ट कैरेक्टर है जैक का, जो कि ही इज द लीडर ऑफ द ग्रुप ऑफ बॉयज और द ग्रुप ऑफ हंटर्स. और जो है जैक लड़कों को हंटिंग कराते कराते म्यूटिनी करा देता है अगेंस्ट रैल्फ्स लीडरशिप. उनके दिमाग के साथ खेल करके वो रैल्फ के खिलाफ सारे लड़कों को कर देता है. और वो हंटिंग के फेवर में है, वायलेंस के फेवर में है. और जो लड़के उसकी बात फॉलो करते हैं उनको वो मीट का रिवॉर्ड भी देता है. वो एकदम रैल्फ के ऑपोजिट है. वो एक सिविल सोसाइटी या इस तरह की चीजों में बिलीव नहीं करता. नेक्स्ट कैरेक्टर हम देखते हैं वो साइमन का है. साइमन एक बहुत ही विजनरी इंसान है और पेंटिंग स्पेल्स की वजह से और जंगल में बहुत सारा टाइम स्पेंड करने की वजह से ही हैज बीन गिवन द फेंटिंग स्पेल्स. सो ही फेंट्स ऑफन. और उसमें हम देखेंगे कि बार बार इसे चक्कर आ जाता है, बार बार ये गिर जाता है नॉवल में. और ये बहुत सारा टाइम अकेले भी स्पेंड करता है जंगल में. ये एक लोनर है. इसकी वजह से लड़के समझते हैं कि बहुत ही अजीब है, बहुत ही ऑड है. जो है साइमन ही एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि जो बीस्ट है या जो जानवर है उसके असली नेचर को समझता है और उस फियर को समझता है जो सबके माइंड में है रिगार्डिंग द बीस्ट. और हम देखते हैं कि इन सब में साइमन ही इकलौता है जो इस करेज को जुटा पाता है कि वो जा करके वो जो बीस्ट है उसको देखे कि वो माउंटेन्स पे कहाँ है, कैसा है, जिस जिस बीस्ट के बारे में लोग इतनी बातें करते हैं. लेकिन जब तक कि वो इस बात को रिवील कर पाए लड़कों के सामने कि एक्चुअली में उसने क्या देखा माउंटेन पे जाके, उससे पहले ही वो मारा जाता है इन अ ट्राइबल रिचुअल. नेक्स्ट कैरेक्टर हम देखते हैं रॉजर का है. रॉजर एक बहुत ही चालाक लड़का है, बहुत ही सीक्रेटिव है और बहुत ही क्रूअल नेचर का है. वो जो कमजोर लोग होते हैं उनका फायदा उठाता है, उन्हें परेशान करता है. जैक का ट्राइब वो जब ज्वाइन कर लेता है तो वो हैंगमैन बन जाता है. वो लोगों को लटकाने का काम करता था सूली पे. और पिगी की डेथ में भी इसका बहुत बड़ा हाथ है. ये सेमनेरिक जो दो लड़के हैं सैम और एरिक उनको भी टॉर्चर करता है तब तक जब तक कि वो ट्राइब ज्वाइन नहीं कर लेते. और वो स्टिक जिस पे कि रैल्फ का हेड टांगा जाता है वो भी रॉजर ही प्रिपेयर करता है. एक ट्विन्स हैं सैम और एरिक नाम के, जो ट्विन्स हैं उनको टुगेदर उनका एक ही नाम लड़के बोलते हैं सेमनेरिक. तो ये जो दो ट्विन ब्रदर्स हैं ये इंचार्ज हैं फायर सिग्नल के. और ये जो है ये जब कैप्चर कर लिए जाते हैं बाय जैक, उससे पहले तक ये रैल्फ के वफादार थे. और इनमें से कोई एक ही बोलता है और दूसरा उसका सेंटेंस फिनिश करता है. ये इतने जुड़े हुए हैं आपस में कि लड़के इन्हें सेमनेरिक बोलते हैं, सेपरेट आइडेंटिटीज इनकी नहीं रेफर करते एज सैम एंड एरिक. एक छोटे ग्रुप है बॉयज का सिक्स और उसके अबव जो एज है, सॉरी सिक्स और उससे बिलो जो एज है उसकी एज ग्रुप के जो बॉयज हैं उन्हें लिटिलन्स कहते हैं. और ये म्यूटिनी के टाइम, लड़ाई के टाइम रैल्फ के साइड हो जाते हैं. मरीस नाम का एक कैरेक्टर है, वो जैक का एक बहुत बड़ा सपोर्टर है. और जब जैक रैल्फ के कैंप में जा करके रेड करता है तो मोरिस उसका साथ देता है. रॉबर्ट को हम देखते हैं, रॉबर्ट भी एक कैरेक्टर है. और ये जो जब ट्राइबल डांस होते थे हंट को सेलिब्रेट करने के लिए तो उस डांस में ये पिग के हेड का रोल प्ले करता था. और हम देखते हैं कि जब डांस करते करते एक दिन बहुत ही वायलेंट बीटिंग शुरू हो जाती है तो उस बीटिंग में ये हर्ट भी हो जाता है. एक और कैरेक्टर है परसिवल वेमेंस मेडिसिन. ये एक यंग बच्चा है जिसे नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है और उसे
उसे बार बार इस चीज की वजह से जो दूसरे छोटे बच्चे हैं हु आर यू नो सिक्स एंड बिलो द एज ऑफ सिक्स, वो उसकी मदद करते हैं जब भी उसे नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है तब। ये आइडिया लोगों के दिमाग में डालता है कि बीस्ट जो है, जो राक्षस है, वो शायद सी के साइड से, जो राक्षस या जानवर है, डरावना जानवर, वो शायद आइलैंड पे सी के साइड से आए। एक और यंग बच्चा है जिसका नाम जॉनी है, ये भी काफी मीन नेचर का है। एक और जो छोटे बच्चे हैं सारे, हु आर यू नो ऑफ द एज सिक्स और बिलो द एज ऑफ सिक्स, उसमें सबसे बड़ा बच्चा है, उसका नाम हेनरी है। और इस पे रॉजर जो है वो बहुत ही गंदे गंदे और मीन प्रैंक्स करता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो लेक्चर। इस वीडियो में हमने इस नॉवल के कैरेक्टर्स को देखा, इस नॉवल का इंट्रोडक्शन देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम इस नॉवल की कहानी को डिटेल में पढ़ेंगे। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई सी यू ऑल सून। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप लविंग लिटरेचर एंड डोंट फर्गेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।